नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताजातरीन खबर पर एक नजर। जनपद झांसी के कस्बा बबीना में आज कार्तिक माह की अष्टमी पर गोपाष्टमी के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मौजूद गौशालाओं में जा जाकर गौ माता की पूजा की गई। इस अवसर पर बबीना के श्री महावीर गौशाला में गौ पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें डॉक्टर अजय निरंजन और चिकित्सा अधिकारी सुरेश शर्मा, जिला गौरक्षा प्रमुख श्री लीला अग्रवाल, देवेंद्र तिवारी गौरक्षा प्रमुख बबीना, मनीष यादव बजरंग दल बबीना, अनुराग श्रीवास्तव छात्र संघ बबीना, गौरव यादव गौ सेवक बजरंग दल बबीना, तरुण पाठक अखाड़ा प्रमुख बबीना, अजय पाल सिंह, रामपाल सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र तिवारी ने किया। आपको बताते चलें कि इंद्र के प्रकोप से गोपियों और गायों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने कार्तिक माह की अष्टमी पर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और उन्होंने गोपियों तथा गायों की रक्षा की थी, इसीलिए इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बबीना कस्बा समेत आसपास के ग्रामों जैसे मानपुर, घिसौली, बड़ौरा, ठकुरपुरा, सुकमा आदि ग्रामों में भी पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय निरंजन ने जाकर गायों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया और गौशालाओं में पूजन कराया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से गौरव कुमार के साथ विजय वर्मा की रिपोर्ट। हाँ सर, आज क्या है और आज गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है? आज हम सभी महावीर गौशाला बबीना में गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौ पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। चूंकि आपने कहा ही गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है, आज कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में आज ही के दिन श्री कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया से गौ चराने की यह परमिशन मांगी थी और गौ मैया को जंगल में विचरण कर वहां चराने के लिए अनुमति मांगते हुए गौ यशोदा मैया ने जब उन्हें दी तो उसमें एक बातचीत हुई थी कि गौ माता के साथ जो हम जंगल में रहेंगे, असल में गौ माता के साथ क्या, गौ माता के साथ जो 33 करोड़ देवताओं का वास रहता है उनके साथ वो जो है अपना पूरा दिन बिताना चाह रहे थे। इसी उपलक्ष में ये पहले हमारे पूरे भारतवर्ष में इतने हर्षोल्लास से जो है नहीं मनाई जा रही थी, लेकिन आज से जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको गौपाष्टमी को शुभ अवसर के रूप में, उत्सव के रूप में मनाने का जो है लक्ष्य रखा और हम लोग सब जो है गौ माता की पूजा कर रहे हैं। असल में गौ माता की क्या, हम लोग 33 करोड़ देवताओं की पूजा कर रहे हैं साथ में, तो आज का दिन बहुत शुभ है और बहुत ही हम लोगों के लिए जो कष्ट हुए हम लोगों को जाने अनजाने वो सब आज के दिन हम लोगों के निवारण हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। आज आपने कहाँ कहाँ पर गौ पूजन कराया? आज हमने बबीना ब्लॉक की हमारे क्षेत्र में जितनी भी गौशालाएं हैं जैसे कि बड़ौरा, बबीना, घिसौली, सुकमा, मानपुर, सभी स्थल पे हम लोगों ने कार्यक्रम रखा और सभी जगह हमने पूजन किया और सभी गायों का चेकअप किया, हेल्थ चेकअप किया, सभी की जो है डिवर्मिंग कराई ताकि पशुओं गौ वंश पशुओं का संवर्धन हो सके और उन्हें जो है किसी प्रकार का कष्ट न हो। आप बबीना वासियों से क्या कहना चाहते हैं? बबीना वासियों से हम ये कहना चाहते हैं जो हमारे बबीना क्षेत्र में अन्ना गौवंश छूट रहे हैं उनको अपने घर पे बांधे और 33 करोड़ देवी देवताओं का आप आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें भरण पोषण उनका संवर्धन के लिए प्रयास करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।